हेलो तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इब्राहिम फ्रॉम इब्राटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो टिकटॉक यूजर है, जो टिकटॉक पर अपनी वीडियोज अपलोड करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो के अंदर टिकटॉक के अबाउट कुछ ट्रिक बताई है जो हर एक टिकटॉकर यूजर के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है बट आपको उसके हिडन चीजें नहीं पता, उसके अमेजिंग ट्रिक्स नहीं पता, तो वो चीज आपके लिए लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, वो आपके लिए बोरिंग साबित हो सकती है। अगर आपको उसके बारे में हिडन चीजें पता है, ट्रिक्स पता है, तो ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी यूज करने में। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताई है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो टिकटॉक की ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जो भी आप समझे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो को एंजॉय करना है। अगर वीडियो पसंद है तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो गाइस, बढ़ते हम अपनी पहली ट्रिक की जानिब। तो दोस्तों, अगर आप एक टिकटॉकर हैं, आप एक टिकटॉक अकाउंट यूज करते हैं, उस पर अपने जो वीडियोस हैं वो आप डेली वाइज अपलोड करते हैं, तो आपको यार इसकी सेफ्टी और प्राइवेसी के भी बारे में पता होना लाजमी है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सेफ्टी पर चले जाना है, और यहाँ पर आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर कुछ सेफ्टीज दी हुई हैं, आपको ये पढ़ लेनी है और अपने मुताबिक इसको सेट कर लेना है। तो जो फर्स्ट है उसमें है कि भाई कोई भी आपकी वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, अलाउ करते हैं कि आपकी कोई वीडियो डाउनलोड कर सके, तो आप यहां से इस पे क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑफ करेंगे उसके बाद आपकी कोई भी वीडियो कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो दूसरे नंबर पे मैसेज कोई आपको या डायरेक्ट मैसेज भेजे तो आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं कि भाई नहीं, मेरे को कोई मैसेज ना भेजे, या मेरे को सारे कोई हर कोई मैसेज भेज सकता है, या कोई भी ना भेजे, या मेरा फ्रेंड अकेले मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो यह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ठीक है, उसके बाद भी नीचे आ जाता है ड्यूट, आ जाता है रिएक्ट, आ जाता है व्यू, आ जाता है कमेंट आता है, तो ये आपने अपने मुताबिक सबको सेट कर लेना है। ओके तो गाइस, जो हमारी सेकंड ट्रिक है वो है टिक कोड। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपको कोई फ्रेंड होता है, वो आपको बोलता है ये लो यार मेरी आईडी सर्च करो, मेरे को फॉलो करो, या आप चाहते हैं यार मैं किसी को अपनी आईडी भेजूं, बट आपके नाम की बहुत सी आईडी आ जाती है जिससे आपकी आईडी को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपने थ्री डॉट पर यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टिक कोड जैसा एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह कोड बनकर आ जाएगा। अभी आपने इस कोड को अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे तो आप ये किसी को भी सेंड करेंगे तो वो आपकी स्कैन करके आपकी आईडी पर डायरेक्ट आ जाएगा। बट आप किसी की आईडी को स्कैन करना चाहते हो, यहाँ आपने सिंपली स्कैन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने इस क्यूआरएल को मिस कर लेना है। क्यूआरएल जो कोड है उसको यहाँ आप स्कैन करेंगे तो आप किसी की भी आईडी इजीली फाइंड कर पाएंगे। यहाँ आप यहाँ से मिस थंबनेल आपको यहाँ पे नजर आएगा, मैं फोकस कर लूँ, यहाँ पे एल्बम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से भी कोई भी क्यूआरएल कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट उसकी आईडी पे चले जाएंगे। गाइस, तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ट्रिक की जाने, वो है सिक्योरिटी के अबाव। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने यार फ्रेंड के मोबाइल में टिकटॉक लॉगिन कर लेते हैं, या आपको शक है कि यार शायद मेरा अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है, तो आप जानना चाहते हैं कि यार ये जो मेरा अकाउंट है ये किन किन डिवाइस में ओपन हुआ हुआ है। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आता है यूअर डिवाइसेज, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप को वो सारी डिवाइसेस ओपन होकर आ जाएंगी जिसमें आपका जो ये टिकटॉक अकाउंट है वो ओपन हुआ होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये आ रहा है भाई मोटोरोला E4 है जो करंट डिवाइस है जिसके अंदर ये अभी ओपन हुआ हुआ है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि भाई मेरा अकाउंट किन किन डिवाइस के अंदर ओपन है। तो गाइस, आप बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ ट्रिक की जाने। तो दोस्तों, आप चाहते हैं यार आपका कभी भी न्यू फॉलोअर आए, न्यू लाइक आए, या न्यू कमेंट आए, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, बट आपको मिल नहीं रहा, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा पुश नोटिफिकेशन, तो जिससे इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाता है लिखा हुआ लाइक कमेंट न्यू फॉलोअर मेंशन। तो यहाँ से आपको ये इनको सबको इनेबल कर देना, ये पहले से डिसेबल होंगे तो इनको इनेबल कर देना, और नीचे भी आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको ये वाले चारों इनेबल रखने हैं। जब भी आपको कोई लाइक करेगा, न्यू लाइक आएगा, कमेंट आएगा, न्यू फॉलोअर आएगा, या आपको कोई मेंशन करेगा, तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। ओके तो गाइस, जो हमारी फिफ्थ नंबर की ट्रिक है तो वो ये है कि डेटा सर्वर के ऊपर। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप अपनी टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे आपकी जो MB है, जो इंटरनेट है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट आप
चाहते हो कि नहीं यार थोड़ी देर तो चले, कुछ दिन और टिकटॉक चले, तो आप अपना डेटा सेवर कैसे कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा सर्वर। तो जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है डेटा डिवाइस को अपने ओपन कर देना है। जैसे आप अपने डेटा मोबाइल पर चलाएंगे तो उससे आपका जो डेटा सर्वर है वो आपका डेटा बचाएगा एंड आपकी वीडियो जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी यार कम हो जाएगी बट गुजारे लाइक हो जाएगी, जिससे आपकी MBM बहुत ज़्यादा देर तक चल सकती है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ओके तो गाइस यार जो लास्ट ट्रिक है वो मेरे बहुत कमाल की है। दोस्तों आपके टिकटॉक के ऊपर बहुत से ऐसे फैन मीन्स आपके जो क्रिएटर होंगे जिसके आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप उसकी हर एक वीडियो देखना चाहते हो और आप चाहते हैं यार उसकी वीडियो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, तो ये वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की होने वाली, क्योंकि दोस्तों ये वाली ट्रिक है ही ऐसी कमाल की। तो दोस्तों हम यहाँ बैक चले जाते हैं, बैक जाने के बाद आपको यहाँ से बहुत सी वीडियो दिखने को मिल जाती हैं। तो बट आप एक किसी चीज़ के फ़ैन हैं या किसी ऐसे क्रिएटर के फ़ैन हैं जो आप चाहते हैं कि भाई इसकी वीडियो सदा मेरे आंखों के सामने रहे, तो आपने करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर वाले बटन पे आपने क्लिक करना है और शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने सिंपली इनको इस साइड करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव फ़ोटो, तो आपने इस पर जैसे क्लिक करेंगे लाइव फ़ोटो पे तो इससे होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद ये कुछ लोडिंग चलेंगी, इस लोडिंग को आपने कंप्लीट होने देना है, उसके बाद आपको एक अमेजिंग ट्रिक नज़र आएगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी ये लोडिंग हो जाए, तो ये अभी हमारी लोडिंग कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद जो ट्रिक है वो आपको खुद ही नज़र आ जाएगी। तो जैसे ये हो गई उसके बाद यहाँ पे आपने कर देना है सेट वॉलपेपर, तो ऐसे कर दिया भाई, उसके बाद आपकी ये डायरेक्ट वीडियो वॉलपेपर पे आ जाएगी। यार बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो मेरे को बहुत फेवरेट लगी। इससे क्या होगा कि आप अपने यार अच्छे क्रिएटर हैं या जिसको आप पसंद करते हैं उसकी वीडियो या अपनी वीडियो आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो पे वॉलपेपर लग चुका है, तो बहुत ही यार कमाल की ये ट्रिक है, आप भी यूज़ करिएगा। तो ये थी आज हमारी जो थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक्स, जो उम्मीद करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। आई हैं तो आपको पता है यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।